हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजिटेक। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक ओल्ड पीसी मेरे पास था, इसमें हम अपग्रेड करेंगे। i7 प्रोसेसर, 4 जनरेशन, 8 GB रैम SSD के साथ, रैम 8 GB रहेगा और इसको हम आज असेंबली करेंगे बेस्ट प्राइस में। पहले तो हम लोग क्या किए, प्रोसेसर को फिक्स कर दिया, फ़ैन को चारों तरफ से लॉक करके यहाँ पर फिक्स कर दिया फ़ैन का वायर। यहाँ पे हम लोग M.2 SSD लगा सकते हैं और हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पर है, रैम यहाँ पर लगा देंगे हम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैनल पहले से लगा दिए हैं, यहाँ पे पैनल के पीछे बैक साइड में हम लोग बेस पॉइंट पे से स्क्रू टाइट कर लिए। उसके बाद इसको मदरबोर्ड को हमको लगा के यहाँ पे फिक्स करना है। चलिए, अभी सभी कनेक्शन हो गया, अभी पेन ड्राइव मैंने USB पोर्ट पे लगा लिया। अभी पावर बटन को ऑन करते हैं और F12 प्रेस करते हैं कंटिन्यूसली। आ गया, अभी UEFI बूट पे मेरे करना, नॉर्मल मोड पे करना है, विंडोज 10 लोड करना है। F10 करेंगे प्रेस लेने की, विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली ये i7 प्रोसेसर है, इसमें आप 4 जनरेशन प्रोसेसर, H81 बोर्ड मदरबोर्ड, और ये आपको चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। आपका अगर ओल्ड PC आप कन्फ्यूजन करना चाहते हैं, अगर SSD लगा देंगे तो ये थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा आएगा। बोर्ड भी लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं फ्यूचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जो जेनिक्स का बोर्ड है, H81 बोर्ड, यहाँ पे DDR3 रैम सपोर्ट करेगा। ये i7 4 जनरेशन, यहाँ पे हार्ड डिस्क SSD का कनेक्शन दे दिया और M2 SSD यहाँ होता है, यहाँ वहाँ लग गया। सारे चीज़ से सब इसका 12 वोल्ट यहाँ लग गया, डिक्स यहाँ पे लग गया, 24 पिन और सारे कनेक्शन पावर का सेक्शन यहाँ होता है। ये उसके बाद हम लोग ऑल सेट कर दिया, अभी पावर ऑन करके बूट करेंगे।